नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लैक्सीड का पाउडर। फ्लैक्सीड जिसे कि आप अलसी, तीसी या फिर चिकना बोलते होंगे। अलसी जो है वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है। इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 पाया जाता है, जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इसमें इतनी मात्रा में ओमेगा 3 पाई जाती है जितना कि किसी भी नॉन वेज आइटम में नहीं पाया जाता होगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप अलसी। यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम कर लिया है और 1 कप अलसी हमने लिया। फिर हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया, 2 हम यहाँ पे लेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। फिर इसमें हम लेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। आप चाहे तो अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको जब ये रोस्ट हो जाए तब एंड में डालें, अभी ना डालें अगर पाउडर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो। अब हम इन सभी चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। कुछ मिनट बाद आप देखेंगे कि इसके दाने चटकने लगेंगे। जब ये दाने चटकने लगे तो उसको 1 मिनट तक और पकाएं और इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जलने का टेस्ट आ जाएगा। अब ये देखिए लगभग तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर इसे आप मिक्सर में डालें और 1/4 से भी कम सॉल्ट डालें, नमक, और यहाँ पे हम हिमालयन सॉल्ट ले रहे हैं। फिर उसको अच्छे से पीस लें, इसका पाउडर बना लें और ये तैयार हो गया। आपको डेली जितना ओमेगा 3 खाना चाहिए। अगर आप 1 या 2 चम्मच फ्लैक्सीड का पाउडर खाते हैं तो आपका हर दिन का ओमेगा 3 का बजट पूरा हो जाएगा। इसे आप चाहे तो चावल, दाल, रोटी, सब्जी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, नींबू डाल करके भी खा सकते हैं। आपको जैसी मर्जी है उस तरीके से आप इसे तैयार करें और इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें। ज़्यादा एक साथ मत बनाएं, एक बार में 1 ही कप का बनाएं, क्योंकि ये कुछ हफ्तों में इसमें से ख़राब टेस्ट आने लगता है। होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू। Thank you.